आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। दीपावली के पश्चात गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट महोत्सव का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए लगातार 7 दिनों तक अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर रखा था और ब्रजवासियों की भारी बारिश से रक्षा की थी। एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन के प्रतिदिन 8 प्रहर के हिसाब से यानी कि 56 प्रहर तक बिना अन्न ग्रहण किए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में उठाकर रखा था। बाद में इंद्र ने अपनी गलती पर माफी मांगी और भगवान ने गोवर्धन पर्वत को नीच में रखा। उसके पश्चात व्रजवासियों ने 56 प्रहर तक भूखे रहे, भगवान के लिए 56 भोग लगाकर उनकी आराधना एवं सेवा पूजा की थी। तभी से गोवर्धन पूजा एवं 56 भोग लगाए जाते हैं। दीपावली के पश्चात भगवान श्री कृष्ण एवं आराध्य देवी देवताओं के समक्ष 56 भोग एवं अन्नकूट महोत्सव का बड़ा महत्व है। इंदौर में विगत 28 वर्षों से श्री हरसिद्धि अन्नकूट महोत्सव का आयोजन मां हरसिद्धि आरती मंडल एवं गुरु कृपा परिवार द्वारा किया जाता है। इस वर्ष भी आरोरम रोड स्थित नरसिंह वाटिका में सोमवार को श्री हरसिद्धि अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रदीप शर्मा एवं दुष्यंत सागर शर्मा ने बताया कि आयोजन में ख्यात भजन गायक बाबू राजौरिया की भजन संध्या एवं अनेक नाट्य प्रस्तुतियां भी दी गई। देर रात्रि तक गणमान्य अतिथियों के साथ ही हजारों भक्तों ने ख्यात भजन गायक बाबू राजौरिया की भजन संध्या के साथ ही स्वादिष्ट भोजन प्रसादी का आनंद लिया। इसके पूर्व महर्षि की महाआरती के साथ आयोजन का विधिवत शुभारंभ हुआ। महर्षि आरती मंडल के समस्त भक्तों ने व्यवस्थाओं का सुचारू रूप से संचालित किया। शाम 6 बजे प्रारंभ हुआ अन्नकूट महोत्सव, रात्रि को अंतिम भक्त के आने तक निर्बाध रूप से चलता रहा। आयन हरसिद्धि भक्त मंडल की ओर से आता है, गुरु कृपा परिवार सहयोगी रहता है, क्या कहना चाहेंगे भैया? मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, पहले तो ये पूरा प्रोग्राम माँ कराती है हरसिद्धि में, अपनी तो कोई ताकत ही नहीं है, और पूरा हरसिद्धि आरती मंडल है सब मिलके कराता पूरा प्रोग्राम। वो बहुत अच्छा मंडल है, मेरा सभी मंडल के जितने भी महिला वर्ग और पुरुष वर्ग सबको मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। बहुत मेहनत करता है हर कोई यहाँ पे, और उनको मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छा काम करते हैं और वही सफल बनाते हैं पूरे आयोजन को। गुरु कृपा परिवार पर गुरु सिद्धि की कृपा है, क्या कहना चाहेंगे जी? माँ सिद्धि की बहुत कृपा, उन्हीं की कृपा से तो हम आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो आगे ही नहीं बढ़ रहे। एक सांस भी ले रहे तो उनकी कृपा से ही ले रहे हैं, हरसिद्धि माँ की कृपा से ही ले रहे हैं। कितने वर्षों से आयोजन किया? ये 28 साल हो गए इसको आयोजन को। यहाँ पे कुछ खास भजन, आज इसमें भजन संध्या थी बाबू राजौरिया जी की, अपना अन्नकूट था, और इसके अलावा कल जो प्रोग्राम था कल उसमें 56 भोग थे हरसिद्धि मंदिर में, और माँ का श्रृंगार हुआ था, भव्य श्रृंगार हुआ था, बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ था। माँ हरसिद्धि भक्त मंडल और गुरु कृपा परिवार के माध्यम से यहाँ पे अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है, और आप भी हमेशा पधारते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस वर्ष भी आयोजन हो रहा है? हरसिद्धि अन्नकूट महोत्सव जो कि पिछले 28 वर्षों से हो रहा है, हमारे श्री पुरुषोत्तम दास जी शर्मा और गुरु कृपा होटल के माध्यम से होता है, और लाखों हजारों लोगों की श्रद्धा माँ हरसिद्धि में जुड़ी है, और परंपरागत रूप से जो अन्नकूट है बहुत ही भव्य होता है और बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवस्थित होता है, पूरा शर्मा परिवार इसमें लगा रहता है। मैं बधाई देता हूँ कि ईश्वर उनकी मनोकामना पूर्ण करे, और इसी तरह यह कार्यक्रम हर वर्ष चलता रहे। अपनी व्यस्तता के बाद भी आप देर रात्रि को आयोजन में बधा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन से आपका? चूँकि मेरा परिवार से संबंध है, माँ हरसिद्धि से मेरा लगाव है, मेरी श्रद्धा है, और चूंकि गुरु कृपा परिवार से मेरा वर्षों से पुराना संबंध है, तो मैं रात को आऊं या दिन में आऊं मगर आना जरूरी होता है उपस्थित। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।